हाय हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई आप सभी। पीके ब्लॉकर जोन में आप सभी का स्वागत है भाई। आ जाए मैं बद्रीनाथ और दिखाता हूँ आपको। ये मंदिर है बद्रीनाथ का टेंपल, और यहाँ के सारे व्यू दिखाऊंगा आपको और घुमाऊंगा बद्रीनाथ में और माणा में। आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। पीछे टेम्पल है बद्रीनाथ जी का, आपको दिखाता हूँ और फिर मिलते आगे वीडियो में, पूरी डिटेल बताऊँगा और आपको दिखाऊंगा। चलो फिर मिलते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दिखाता हूँ मैं आपको आगे के व्यू भाई। ये बद्रीनाथ का टेंपल है और यहाँ के पूरे बताऊंगा जानकारी आपको, मार्केट दिखाऊंगा। यहाँ से बद्रीनाथ हो जाता है चालू, आप देख सकते हो। और ये लगती है चौकी भाई यहाँ पे। और भाई जो बंदा बद्रीनाथ आना चाहता है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और ये इधर बनने लग रही है भाई होटल, मैं यहाँ के बारे में पूरी जानकारी आपको दूंगा। और इसके बाद मैं एक वीडियो और डालूँगा जोशीमठ से, जो हमारा रास्ता आता है बद्रीनाथ। और फिर इसके बाद मैं माणा भी जाऊँगा, वो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा। आप देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को। ये देखिए भाई यहाँ पे गेस्ट हाउस है, धर्मशाला है, होटल है, रुकने की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पे। ये रास्ता सीधा माणा निकल जाएगा और ये जाएगा अंदर मार्केट में। यहाँ से भाई मंदिर भी निकल जाओगे और पूरी मार्केट भी घूम लोगे। ये है बस स्टैंड, यहाँ पे देख सकते हो आप, और आगे सामने है मार्केट। ये भाई होटल वगैरह बने हुए हैं, चारों तरफ होटल ही होटल बन चुके हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो भाई। और अभी काम चला हुआ है यहाँ पे बहुत अच्छा। एक ये बनने लग रहा है यहाँ पे भाई बस स्टैंड, जब छीट रहेगी तब बस आएगी इधर, वरना फिर जाएगी दूसरी साइड। ये भाई यहाँ पे काफ़ी अच्छे व्यू है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आप देखना कितना अच्छा लगने वाला है। और ये मौसम देखिए कितने अच्छे हैं यहाँ पे, बादल वगैरह। ये भाई अभी यहाँ पूरा काम चला हुआ है, क्यों सावन का महीना है, बारिश चल रही है अभी भाई। ये होटल आपको सस्ते मिल जाएंगे, देख सकते हो आप सामने। और इधर ये काम चला हुआ है और ये रास्ता पार्किंग में भी चले जाएगा और मंदिर पे भी जाएगा। यहाँ के व्यू दिखाता हूँ मैं भाई, जब यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है तब गाड़ी आगे जाती है माणा की साइड, और वहाँ से पैदल आना पड़ता है, वो भी पूरे व्यू दिखाऊंगा। ये यहाँ पे बना दिया पार्क भाई, बहुत अच्छा है। अभी काम चल रहा है, जब आपके 2025 में आओगे आप, यहाँ के व्यू देखना भाई कितने अच्छे रहेंगे। ये सामने जाएगा और इधर जाएगा लेफ्ट में हमारा मंदिर पे रास्ता। ये इधर भाई हम चले गए मंदिर, और यहाँ पे शिला जीत वगैरह भी मिलती है, ओरिजिनल दुकान है भाई। और ये देखिए यहाँ से फिर आगे हम तरफ बढ़ते हैं, ये जाएगा मंदिर की तरफ रास्ता। तो भाई ये मार्केट है, यहाँ पे मार्केट पे आप सामान वगैरह खरीद सकते हो। और ये रही कुछ मार्केट, होटल भी है भाई यहाँ पे, ये होटल है। और जैसे ही फिर सामने जाएंगे हम, सामने आपको मंदिर का रास्ता चले जाएगा सीधे, दिखाता हूँ अभी आपको। ये मार्केट है भाई यहाँ दोनों साइड, और इधर लॉज है, आश्रम है, धर्मशाला है, होटल है, जिसमें भी आप ठहरना चाहते हो उसमें ठहर सकते हो। ये यहाँ पे सामने जाते हैं हमारे व्यू, देख सकते हो सामने आश्रम है बिल्कुल ये। और ये रास्ता जाता है भाई मंदिर के गेट का। अभी छीड़ है पूरी में, दिखाऊंगा आपको थोड़े व्यू दिखाऊंगा भाई। अगर भीड़ होती है, यात्री टाइम पे आते हो तो आप पूरी लंबी घूम के आना पड़ेगा भीड़ आपको, और कुछ टाइम खड़ा रहना पड़ेगा दर्शन के लिए। ये देखिए आप, इधर तो टूटा हुआ है अभी, यहाँ मास्टर प्लान बनाया हुआ है, ये मकान अभी टूट गए यहाँ पे। और ये रास्ता देखिए आप, पूरा घूम के आना पड़ेगा आपको जब यहाँ पे यात्रा चलती है। और ये इधर होटल है, और भाई मैं अभी मार्केट भी दिखाऊंगा, इसके बाद मैं माणा गांव में भी जाऊंगा, वहाँ के भी आपको व्यू दिखाऊंगा सरस्वती के। और उसके बाद मैं जाऊंगा
आसुधारा पे भी। और ये भाई मैं मंदिर में लेके चलता हूँ अभी आपको आगे की तरफ। ये ओनली 100 मीटर की दूरी पर है, यहाँ के व्यू मैं दिखा सकता हूँ आपको। और ये है मार्केट, इधर से प्रसाद माला आप ले सकते हो और मैं अभी मंदिर के पास लेके जाऊँगा आपको। ये देखिए भाई यहाँ के व्यू। और भाई ये इधर से यहाँ पे आप कन्नी वगैरह भी ले सकते हो गंगा जल के लिए, ले जाने के लिए। और मैं आगे चलता हूँ, आगे भी पूरी मार्केट दिखाऊंगा अभी आपको। ये देख सकते हो यहाँ पे माला प्रसाद आप ले सकते हो। और ये सीधा रास्ता जाएगा हमारा मंदिर पे, जो कि रह चुका है ओनली 30 मीटर की दूरी पर। और यहाँ के व्यू देख सकते हो कितना अच्छा है। और भाई मैं यहाँ पे आपको कुंड भी दिखाऊंगा और कुंड के बारे में बताऊंगा भी। और ये देखिए पानी यहाँ पे कितनी रफ्तार से। और ये इधर कुंड है और सामने मंदिर की सीढ़ियाँ हैं। तो भाई मैं यहाँ के व्यू अभी आपको आगे चल के दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको कुंड के पास लेके चलता हूँ, कुंड दिखाता हूँ यहाँ पे, जो गर्म पानी का कुंड है। आप यहाँ पे नहा सकते हो। ये इधर भाई कपड़े रखने का, चप्पल रखने का, जो शूज रखने का है, ये देखिए। और ये सामने रहा कुंड। ये देखिए भाई इधर है कुंड, यहाँ पे आप कपड़े चेंज कर सकते हो, रख सकते हो। और ये रहा इधर सामने गर्म पानी का कुंड। ये मैंने दिखाई दिया आपको। और यहाँ पे है भाई महिला कुंड स्नान करने का। इधर भी कर रही है महिला बाहर स्नान, बट जो सही है वो अंदर है, दूसरा कुंड है। और ये आदमी का कुंड है, आप देख सकते हो भाई यहाँ पे। भाई इनमें हमेशा गर्म पानी रहता है। ये नारद जी कुंड है यहाँ पे। और इधर दिखाता हूँ, इधर भी ये नहाने के लिए है, कपड़े रखने के लिए है। और इधर मार्केट में आपको प्रसाद माला वगैरह मिल जाएगी। और इसके बाद मैं फिर लेके चलूँगा आपको मंदिर की तरफ। इधर देख सकते हो भाई कितनी रफ्तार से पानी आया हुआ है। और ये देख सकते हो यहाँ पे, तो भाई ये कुंड है यहाँ पे, ये भी अभी मैंने दिखाया था आपको। और इसके बाद ये है यहाँ पे महिला कुंड स्नान के लिए। और अब मैं चलता हूँ मंदिर की तरफ। अगर भाई आप यहाँ पे यात्री टाइम पे आ रहे हैं तो आपको दर्शन करने में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। ये यहाँ पे मंदिर है भाई, मैंने दिखाई दे व्यू। अभी मैं थोड़ा आपको ऊपर जाके दिखाऊंगा। ये है भाई बद्रीनाथ जी का मंदिर। और अंदर से वीडियो बनानी अलाउ नहीं है, वरना मैं आपको भाई अंदर से भी दिखाता हूँ। और ये देखिए इसके व्यू कितने अच्छे हैं भाई। और मंदिर पे लाइट लगी हुई है, लाइट बदलते रहते हैं। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कितने रंग। अब ये देखिए भाई कितने अच्छे रंग लग रहे हैं मंदिर के। और सर्दी होती है यहाँ पे 12 के 18। भाई आप आ रहे हो तो अपना जर्किन वगैरह ज़रूर लेके आए। और ये आसपास के व्यू देखिए यहाँ पे। और भाई इसके बाद फिर मैं आपको मंदिर तो दिखाई दिया, मैं मार्केट लेके चलूँगा और फिर माणा की तरफ भी लेके चलूँगा। माणा की वीडियो भाई मैं दूसरी वीडियो बनाऊँगा, यह हो जाएगी ज़्यादा लंबी। ये देख सकते हो आप मार्केट है ये भी, यहाँ पे आप कपड़े वगैरह खरीद सकते हो। और ये देखिए भाई इधर पूरी मार्केट है। होटल के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ये इधर भाई होटल वगैरह है। और ये रोड जाता है हमारा माणा, तो मैं माणा का भाई आपको मैं हाईवे दिखाऊंगा और फिर दूसरी वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको माणा से आगे के व्यू दिखाऊंगा, वासुधारा के दिखाऊंगा आपको, सरस्वती जहाँ से निकली हुई है वो दिखाऊंगा। और ये देखिए काफ़ी होटल बने हुए हैं भाई यहाँ पे। ये मंदिर बना हुआ है, छोटा सा एक आश्रम है ये। और इसके बाद ये देखिए इधर पार्क कितना अच्छा है। और भाई अब तो काफ़ी ज़्यादा होटल बना दिए यहाँ पे, ये आप सामने के व्यू देख सकते हो।
आगे आके भाई आर्मी कैंट पड़ जाएगा, और जो बंदा आ रहा है भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ये यहाँ पे बस स्टैंड है भाई, और मैं आपको जोशीमठ से बद्रीनाथ की भी वीडियो अपलोड करूँगा, और उसके बाद माणा की मैं वीडियो इसके बाद अपलोड करूँगा। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शेयर कीजिए। मेरा अपडेट यही था कि जो भाई यहाँ पे आए मैं उन तक पहुँचा सकूँ खबर, इस वीडियो को देख के वे आ सके। ये आगे भाई आप देख सकते हो माणा गांव हम पहुँचने वाले हैं, वो सामने आपको बोर्ड दिख रहा है माणा गांव का, और इसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो, आपको दूसरी अपडेट देऊंगा, आपको दूसरी वीडियो में आपको पूरा घुमाऊंगा, व्यू दिखाऊंगा भाई। ये देख सकते हो आप सामने के व्यू, और भाई उधर आप सामने यहाँ से ओनली रह चुका है 600 मीटर की दूरी पर भारत का लास्ट गांव माणा। वो सामने आपको भाई बोर्ड दिख रहा है, वो ही भारत का लास्ट गांव है, और वो व्यू दिखाऊंगा मैं आपको दूसरी वीडियो में। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर ऐसे ही मिलते हैं हम किसी आपको अगली वीडियो में। हमारी वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये भाई यहाँ तक माना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।